मेरा नाम है प्रेम और मैं जो भी काम करता हूँ प्रेम से करता हूँ। मेरी लड़की को छोड़ने की कीमत यह है एक डिब्बी। मैंने भी अंकल आपकी लड़की से सच्चा प्यार किया है, मैं भी एक डिब्बी में बिकने वाला नहीं हूँ। पीछे पलट के देख अंकल, जो एक डिब्बी में नहीं बिका वो दो डिब्बी में क्या बिकेगा। जाए तू पीछे पलट के देख, दो डिब्बी भी जेब में रख ली, तू गाल मारा अपनी। अंकल एक ही दे दो, एक में बिक गया। मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी लोंडिया को संभाल लूंगा। सुन तो लो, मैं सोच रहा हूँ तुम पांच कर दोगे मैं बिक जाऊंगा। मैं दे ही ना रही तुझे बात, समझे देखो मेरी लड़की बात मान लेगी, उसे एक बिमल दिला दूंगा मैं ना। समझे करो वो फांसी वांसी का मार्ट होगा। अरे कुछ ना होगा, जा कहाँ थे यार आमिर भाई, तुम्हें सब में ढूंढता फिर रही हूँ। हाँ बता यार, तू काम बता यार। हमें मोबाइल चाहिए टच वाला, हमारे पापा कह रहे हैं लेने को। यार तुम दिला लाओ हमें, हमें नॉलेज नहीं है। तो मेरे दोस्त की दुकान हैगी ना, उससे बात करे लूँ, तुझे फोन दिलवा रही हूँ ले अभी। हेलो मुस्तफा भाई। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ यार अपने भाई टच वाले फोन आएंगे क्या, दोस्त के लिए चाहिए था यार। अरे बहुत है यार टच के फोन, तुम तो आ जाओ बस। और मैं रेट के लिए कह रहा था। रेट की टेंशन मत लो यार, दुनिया से ज्यादा कमा लेंगे। तुमसे तो जितने का हुआ है उससे 100 रुपए ज्यादा दे दियो बस। तो एक काम करियो, 100 रुपए तुम्हारे और मैं अपना जोड़ लूं, 1100 रुपए फालतू बता दियो, 100 तुम्हारे हो जाएंगे, 1000 मैं रख लूंगा ऊपर के। आ रहा हूँ लेके। हाँ हो गई बात, रेट भी मुनासिब वाले कह रहे हैं, बिल्कुल घर वाले रेट लेंगे। तो यार आमिर भाई अभी पैसे लाएंगे, अभी चलो क्या पता फिर बिक जाएंगे। आओ अभी चलो, पापा से बात तो करो। क्या लुक लग रहा है यार, ऑसम एकदम, बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, हैंडसम अंक लग रहा है भाई एकदम। थैंक यू यार आमिर भाई, मैं इसे कह रहा हूँ। क्यों ठाकुर, तेरे को क्या लगा था तू मेरी मुखबरी करके मुझे पुलिस से पकड़वा देगा। आहा गब्बर, तू भाग गया वहाँ से, वरना तुझे पुलिस से जरूर पकड़वा देता मैं। इसमें तेरा क्या फायदा होता रे। मेरा फायदा ये होता, सरकार ने तुझे पकड़वाने पर 23,000 का इनाम देने का घोषित किया है। 23,000? हाँ हाँ 23,000। अबे तो तू क्यों पकड़वागा, हम खुद चले जाएंगे पुलिस के पास। अरे गलत है गब्बर, ये गलत है। अरे सरकार घाटे में हो जाएंगे, हमारी नौकरी का क्या होगा। अरे साले कैसा लगा मेरा मजाक। अबे तेरे हाथ कैसे निकले बे गब्बर, ये गलत है। आमिर भाई यार बड़ा मूड खराब है यार, कोई इज्जत नहीं करता हमारी, क्या करें यार। इज्जत ऐसे होती नहीं है, इज्जत बनानी पड़ती है, मेहनत लगती है इज्जत बनाने में और पैसा भी खर्च होता। अब जैसे बॉलीवुड के लोगों की इज्जत है, अपने शाहरुख खान साहब है कितनी इज्जत है, अपने सलमान खान साहब है कितनी इज्जत है। ऐसे मालदार लोग होते हैं उनकी इज्जत होती है, जैसे अपने अनिल अंबानी साहब हुए, मुकेश अंबानी साहब हुए, एलन मस्क हुए, हम हुए। अरे भाड़ू कहाँ नाम जोड़ लिया अंबानियों में अपने, तू है उनके बराबर मालदार। उनकी बराबर ना तो फिर भी बतेरे हैं, तुम दोनों से तो जाती है बिगाड़ी हो। अबे ओ तू मेरी बराबर पे मालदार ना, साले काम जोड़ लिया हमने। है गाड़ी पाड़ी तेरे पास, साले गाड़ी कार है तेरे पास, रिश्तेदारों पे कार है। अबे यहाँ चाय पिलाना बंद कर दे वरना रोज आ रहा है ये। अरे टेटू भाई अकेले अकेले हैं, एक काम करता हूँ यार बारात बुला लेता हूँ पूरी। अब बारात के मैं तो सोच रहा हूँ मीडिया में चलवा दूँ कि मैं 5 रुपए के चने खा रहा हूँ। जाहिल कहीं का। अरे बुरा क्यों मान रहा हूँ, मैं तो कह रही हूँ मुझे भी खिलवा दो यार। अरे निकल यहाँ से, 5 रुपए के चने हैं सबसे। अरे पैसे की बात है, हम ले ले। बैठा भी हूँ दस, मैं पहली कह रही हूँ मत पड़े लोंडियाबाजी के चक्कर में, कल ले ले मुस्कान से प्यार, दे गई धोखा छोड़ के चली गई, झेल ले अभी धोखे को सड़ा पड़ा मुँह तेरा। अबे यार मुस्कान ने धोखा कब दिया है, वो तो अंजलि ने दिया है। मुस्कान तो यार अब भी कोले कर रही है बेचारी, इतनी अच्छी है। दो दो सेटिंग है तेरी, और यार दो दो सेटिंग है, तीसरी और पटाने सोची हूँ अभी। ला अंजलि का नंबर मुझे दिखा, मैं देखूँ कैसे धोखा दे दिया इसने, मैं बातचीत करूँ उससे। आमिर भाई तुम्हारे भाई से यार एक लड़की सेट हो गई। बस तेरे भाई से 10-10 लड़की सेट हो गई है। और यार तेरे भाई का तो कल 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। बस तुम्हारे भाई का 10,00,000 का नुकसान हुआ, 10। अबे यार मेरे तो एक दांत टूट गया यार। बस तुम्हारे भाई के 10-10 दांत टूटे, 10-10। यार हमारा तो एक ही पापा है। बस तुम्हारे भाई के 10-10 पापा है, 10।
All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. I need new friends, but it's not. Danis, तू यहाँ बैठा? मतलब मनने जा रही है? तूने एक बार भी अपने माँबाप के बारे में और हमारे बारे में ना सोचा? जिंदगी बर्बाद हो गई यार अब. अरे तो कितनी भी जिंदगी बर्बाद हो गई ना? दोबारा मेहनत कर, पैसा कमा, इज्जत कमा. मैं मरण दे, तेरे ऊपर क्या असर पड़ लिया भाड़ू? एक आदमी कम हो जाएगा, धरती पर से बोझ कम हो जाएगा. तुझे ना पता 8,000 रुपए हो गए इस पे. अगर ये मर गया कौन देगा? एक बार 8,000 रुपए देता है फिर मर जा चाहे. नादिर यार माफ कर दी, तेरे जो 8,000 रुपए मुझ पे हो रहे हैं मरने जा रहे. अब ओहो पैसे दे के मरेगा तू, इसलिए तुझे बचाना आया हूँ मैं. ना यार तभी तो मर गया. यार आमिर भाई देख इसकी. जावेद भाई कितने बच्चे हो गए भाई तुम्हारे पास? हमारे पास तो यार 12 बच्चे हैं. 12 बच्चे? अरे यार आराम से बोलो, हमारा बेटा ना सुन ले नाराज हो जाएगा यार. जावेद भाई 12 बच्चे? हाँ लेकिन 12 के 12 मेरे नहीं है. फिर देखो 8 तो मेरी खुद की बीबी के हैं और 4 जो है हमारी पड़ोसन के हैं. उसका आदमी तेरा बाहर रहे तो मुझे ही देखना पड़ा है. दिक्कत का मामला. जावेद भाई जाता मुँह मारते फिर रहा हो तुम. तेज मत बोलो, देखो बेटा ना सुन ले हमारा. अबे बहन भाई मुँह कैसा सूझा पड़ा तुम्हारा? मोटापा चढ़ लिया यार. अबे रहने यार, मोटापा चढ़ता पूरे शरीर पे ना चढ़ता, मुँह मुँह सूझा पड़ा. बस साले जाहिले कैसे मुँह से खाएंगे तो मुँह पे तो चढ़ेगा. अबे झूठ जरा कम बोल ले साले. अभी स्कूल के आगे 2 लोंडियों को छेड़ लिया, उन दोनों लोंडियों ने 2 घूंसे मारे मुँह पे, इसके मुँह सूझ गया साले का. यही काम तो करे बड़े वाले भैया भी यही काम करता था. मैंने उनको भी समझाया कि इमरान भाई ये काम मत करो. जावेद ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं यार, अब मैं इस जिंदगी से परेशान आ गया. जावेद अपने घर वालों के बारे में तो सोच, तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों का क्या होगा? अरे यार घर वालों के ताले सुन के तो मैं परेशान ही हूँ. जावेद चल एक काम कर, ये दवाई तो आंख में डालने की है, ये पकड़िए जहरी से पी. गलत दवाई ले लेके आ जाओ साले. छूटिए कुत्तों को समझाऊ मैं. अरे साले वही चाहिए थी मुझे, आंख में डालने वाली. कुछ बच जाऊंगा जरा यार घर वाले. दानिश भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई बढ़िया. अरे यार कोई शायरी वायरी तो सुना दो यार, कितने दिन हो गए यार. हाँ हाँ क्यों ना. के चलते चलते हम तो गिर गए, तुम जरा संभल कर चलना जी. के चलते चलते हम तो गिर गए, तुम जरा संभल कर चलना. इनकी बहू तो हमने पहली सेट कर ली, तुम अपनी को बचा के रखना. अच्छी थी शायरी पर ज्यादा खास ना. ना शायरी तो ठीक थी लेकिन ये बात हकीकत है, हम सेट कर लेंगे तुम्हारी बहू को भी. बेबी है इनने छेड़ा मुझे. रुक जा मैं बात कर तो रही हूँ. क्यों बे, देखने में तो शरीफ घर का लग रही है. टपोरी है तू साले, लोंडिया छेड़ता शर्म नहीं आती? लोंडिया छेड़ता मुझे छेड़ के दिखा. बेबी मुझे बचाओ, बेबी मुझे बचाओ. ना पापा कहाँ पी रहा हूँ सिगरेट. और ये हाथ में क्या, मुझे चूतिया समझ लिया साले. ए पापा मुझे देख, जो पेट में गैस बन रही तो मैंने इसलिए पी ली. वरना मैं पीऊँ सिगरेट, तुम बताओ. बहुत बढ़िया बेटे, तुम्हारे गैस बन रहे तो तुम सिगरेट पी रहे हो, हम पाप के काम चला रहे हैं. लेकिन मुस्तफा भाई को ये पता नहीं था कि अनारकली को लेने ये सलीम आ गया है. बचाओ प्लीज, ये गुंडे मुझे छेड़ ले, बचाओ प्लीज प्लीज हेल्प मी. खड़े खड़े देख क्या रहे हो, इंदरिंदो से मुझे बचाओ ना. अरे चल लाइट, मैं खुद देखने के हिसाब से आया हूँ. डीजे पे नाचेगी तू, ठुमक ठुमक के नाचेगी, जो तू ना नाचेगी तो गोली बारी चल जावेगी. अरे फैजान भाई नई गाड़ी ले ली क्या तुमने? हाँ यार आज ही ली है. अबे गाड़ी तो बढ़िया है, एक आधा राउंड पॉइंट हमें भी तो लगवाओ यार. अरे लगा लो यार, खड़ी तो है. चेक करें कैसी है.
होता है जाने। मैं क्या मेरी जान, नंबर तो हमें भी चाहिए तुम्हारा। और पैदल जाओगी क्या? तुम्हारे यार ने नई गाड़ी ली है, बैठो हम छोड़ेंगे तुम्हें। ठीक है, आई लव यू। अरे फयान भाई, यहाँ कैसे? तुम्हारी भाभी को यार घर छोड़ जाऊं जरा, नई गाड़ी ली है ना तुम्हारे भाई ने। गाड़ी तो मेरी गई है। अरे देख रहा हूँ इनकी तुम बेबी, ये दोस्त लोग ऐसे ही करते हैं अक्सर। ऐसी यारी तेरी समाज अपनी। अरे अरे भाई मार क्यों रहे यार इसे? अरे यार लोंडिया बाजी कर रही है अभी, मर तो देख लो साले की। साले है कैसा सड़ेंदा? अरे बेबी आ रही हूँ बस, रास्ते में हूँ यार। मारो भाई साहब इसे, मेरी जगह सेटिंग से मिलने आना घर पे कोई ना हो। से हेलो बेबी, कैसे हो? देख तुझसे मेरा दिल भर गया अब मुझे मजा नहीं आता तेरे साथ मोहब्बत में। तू यहाँ से निकल, दूसरा पटा जा। ये क्या कह रहे हो बेबी, पागल हो गए हो क्या? पागल पागल ना, सच कह रही हूँ, जा यहाँ से। ये क्या हो गया है तुम्हें आज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे यार समझ में ना आ रही, तेरी सूरत भी देखना नहीं चाह रही मैं, जा यहाँ से। ठीक है, अगर तुम मेरी सूरत देखना नहीं चाहते हो ना, मैं भी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी। पहले मेरे 18,000 रुपए और जो फोन दिलवाया था वो वापस करो। बस जरा सी मजाक कर ली, गाल फट गई तेरी। मजाक भी ना करूं किससे, चला के और मजाक भी ना करूंगा। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारी सूरत ही ना देखूंगी, पैसे दो मेरे पहले। तो मजाक कर रही है यार, कसम मजाक को घुस लो यार। और दानिश भाई क्या हाल है? बढ़िया, क्या हुआ? अरे यार भलाई का जमाना नहीं रहा। अच्छे हमारे पापा पहले ही कह रहे कि बेटे जिसकी ऐसी तैसी मारो ना वो ही सही रहता। ए यार आमिर भाई, तुम्हारे अब्बा ने एक कहावत बताई वो भी गलत। ये कहावत ऐसे कोई है, देखो मैं बताता हूँ, जिसकी माँ चोदो वो बाप कहता। ओरिजिनल कहावत हमारे अब्बा ने बताई। ये ऐसे तो हमें भी पता थी, हमारे पापा ने भी तो वही बताई। तेरे बड़े बाप वही तो है। हेलो सर, आज हम एक ऐसा टास्क लाए, अगर आप अपने इस दोस्त के एक थप्पड़ मारते हैं तो हम आपको एक सिगरेट पिलाएंगे। है पागल है क्या साले जाहिल, इतना गिरवा समझ लिया मुझे तू? अपने दोस्त के थप्पड़ मारूंगा? साले दोस्त कम सगा भाई ज्यादा है। चल भैया यहाँ से। वाह मुझे गर्व है ऐसी दोस्ती पर, कितनी बेहतरीन दोस्ती है इन लोगों की। भाई साहब मैंने पूरा जान से मार दिया, पूरी डिब्बी दे दो। मर्डर केस लगवाओ कैसे? हट ना, तुमने थप्पड़ मारने को। अरे डिब्बी दो यार। लाओ भाई साहब चंदा दे दो जरा। चंदा? किस चीज का चंदा? अरे भाई साहब गर्मी पता है कितनी हो रही है, रोड पे चलते हुए आदमी को पानी हाथ नहीं आ रहा, तो मैं उनके लिए ठंडा पानी और ठंडा शरबत का इंतजाम कर रहा हूँ। भला होगा इससे यार लोगों का। ओ ये तो बहुत अच्छा काम है यार, नेकी का काम कर रहे हैं सब। दो जल्दी लाओ भाई साहब, आप भी दो। यार भाई साहब मैं कह रही हूँ पैसे तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपकी मदद कर दूंगा ये काम करने में। अरे भाई साहब मदद की कोई जरूरत ना, मैं अकेले ही बांट दूंगा यार। अरे नहीं भाई साहब ऐसे कैसे बांट दूंगा, कितनी गर्मी हो रही है, मैं पूरी हेल्प करूंगा आपकी। अच्छा सुनो, लो 300 तुम रख लो, 500 मैं रख रही हूँ, और बात को यही खत्म करो। भाई यार मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। रुक जा देता हूँ। नहीं भाई मुझे ऐसे पैसे मत दो, मुझे हराम का 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ। मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ, बदले में आप मुझे पैसे दे देना। ठीक है जी। कर दी भाई। कितने हुआ? 2,000 रुपए। मेहनत के पैसे दे मादर चोद, 2,000 रुपए। डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? मुँह में जबान नहीं है क्या तेरे? ए! पूछ इससे यहाँ कोई गलत काम होता है क्या? चल बट ले। चलिए सर चलते हैं। कौन है रे? ये एरिया का नया इंस्पेक्टर है भाई। भाई साहब आपके चप्पल कितने रुपए होगा भाई साहब? अरे यार भाई साहब कैसी बातें कर रहा हो पैसों की यार। देखो भाई साहब तुम्हारी है दुकानदारी, तुम पैसों से याराना मत करो। तुम तो पैसे लो चाहे कितना भी बड़ा रिश्तेदार है, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो अछूत भागा क्या?
गलत बोल गए भाई साहब, घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? हाँ जो भी है चलो खाएगा क्या, तुम तो पैसे लो अपने। 500 रुपए दे दो ला, अभी है ना खाते में, लिख दियो दे दूंगा। जावेद भाई मैंने सुना है तुम बहुत बड़े गैंगस्टर हो, मुझे अपनी गैंग में भर्ती करो। तुझे पता है यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटे। अपनी गाड़ी जाए 2 घंटे का, बस से आटो तो 3 घंटे भी लग सके थे। अबे पागल ये वाली बात में कर रही है आने की, लेवल देख रहा है मेरा कहाँ है और तू कहाँ है। चलो यहाँ से हटा। क्यों हटा? एटीट्यूड है मेरा, चल यहाँ से हटा, मैं बैठूंगा यहाँ पर। एटीट्यूड कल ही तो देखा फटा हुआ कच्चा पहने। सालो तुम में यही तो कमी है, जाहिलो अनपढ़ गवार साले, ये क्या है बताइए? डैमेज पैंट। तो वो डैमेज कच्चा था, चल हटा। साले फलों पे से पहनने वाले कर रहे, चल हटा। डैमेज होता तो बीच छेद थोड़ी होते उसमें। हाँ ऐसी हो रही है, अब कच्चा उतारने की जरूरत ही ना, ऐसी मुंह दो बस छेद में से ही। यार आमिर भाई कोई लड़की साइड करा दो यार। अबे यार अभी हिसाब किताब ना लोंडिया पोंडिया का यार। अबे यार तुम बता तो रहे मोहल्ले में एक लड़की है कि फिलहाल उसी करा दो। अबे पावला है तू, तू कितना स्मार्ट है, स्टैंडर्ड तो देख अपना। वो सड़ेंदी है, 8-8 दिन ना नहाती है, दांत भी टेढ़े मेढ़े, वो तेरे लायक ना। 5-1 दिन रुक जा, उसके बाद अच्छी लोंडिया सेट कराऊंगा। अच्छा सुन तो लो। हाँ 5-1 दिन के लिए यार वही करा दो मोहल्ले वाली। साले हफस ही आई पड़ी है क्या यार, है ना कोई, रातों को नींद ना आ रही मुझे, करा दो यार। क्या बनाओ भाई तुम्हारे घर? दाल चावल। ए यार तुम सालो मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं हो, फटीचर हो, कभी दाल चावल कभी चटनी से रोटी खा रहा हो। बट अब हमें देख, बकरा बना घर पे और टिकिया बनी है कबाब जो होते हैं, और जो लंबा वाला कबाब है मुंह छूट है, मुंह छूट घर पे। यार तो रोटी तो हमने भी ना खाई है, चले तेरे घर। अब तो खत्म हो गए, पहले बता था सब खा लिया हमने। ये बने ही ना, ये बताना बने। चल तो भाई साथ चलना, हंडिया चेक करवा दे। चल हंडिया में तो अब दाल है, दाल ही बनी है। तुम में से राधे कोने पे, कोने पे राधे। अब कौन है राधे तुम में से? तू है राधे, तू है राधे, बोलता क्यों नहीं है? अबे कॉलर छोड़ इसका, मैं हूँ राधे। बहुत गलत कर रहा है, जिंदा वापस नहीं जाएगा यहाँ से। कॉलर तो तूने पकड़ लिया। अच्छी है तेरी माँ का हरामी मारू। अरे मुझे गलती हो गई, गलती हो गई। अरे मुझे ना पता ही, तुमने खुद बुला रहे हैं एंडरवर्ल्ड डॉन बुला रहे हैं। चल गलती हो, चल 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 चल। भाई वो खड़ा है, वो है, अब तू जा बाकी मैं संभाल लूंगा। क्यों बे? तू ही है वो जो अंजलि से मोहब्बत करता है, भूल जा उसको, अब वो मेरी मोहब्बत है, मेरी शादी होने वाली है उससे, समझा? सुन तूने क्या मुझे टपोरी आशिक समझा है जो तेरे कहने से छोड़ दूंगा? उससे मैं मोहब्बत करता हूँ, करता रहूंगा, तू क्या समझता है तेरे कहने से उसे छोड़ दूंगा? छोड़ दिया। बस 500 में भी बिक गया। मैं 250 में भी बिक जाता हूँ, बहुत बड़ा बिकौआ हूँ मैं। चल निकल अब, लग रहा 250 वापस कर दे यार। अब तो सौदा पहले होता है इस बात का, निकाल।